नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज ये आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा इमल्शन का प्लांट है। यहाँ पे हम इमल्शन का प्रोडक्शन करेंगे। आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे कि इमल्शन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूँ, ये दो टाइप का बनता है, एक SS1 स्लो सेटिंग रहेगा, एक RS1 रैपिड सेटिंग रहेगा। तो अभी दो टाइप का ही हम लोग बना रहे हैं, तो आज हम प्रोडक्शन कर रहे हैं RS1 का रैपिड सेटिंग वाला। तो आज हम इसी टॉपिक पे बताएंगे, देखो कैसे इमल्शन का प्रोडक्शन करते हैं हम प्लांट से। दोस्तों इमल्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो ये बिटुमिन है, ये बिटुमिन टैंक आप देख रहे हैं, इसमें बिटुमिन, और ये आप वाटर टैंक देख रहे हैं वाटर, और इसमें कुछ केमिकल होते हैं, वो केमिकल मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो कुछ केमिकल रखे हैं ये आप बोरी में देख रहे हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड है। ये जो आप बैरल देख रहे हैं इसमें है इमल्शीफायर है, जो हमें इमल्शन बनाने के लिए यूज़ होता है। ये एक केमिकल और है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आप कैन देख रहे हैं इसके अंदर एसिड है, नहीं बोले, ये तीन केमिकल यूज़ होते हैं इसमें। इसमें दोस्तों ये तीन टाइप के केमिकल होते हैं जो मैंने आपको बताया, एक एसिड है, इमल्शीफायर है, और कैल्शियम क्लोराइड है। इसके साथ में ये आपका बिटुमिन तो लगेगा ही, और ये है आपका वाटर। इसमें दोस्तों इसका रेशो रहता है 60% बिटुमिन रहेगा और 40% इसमें वाटर रहेगा, और केमिकल के साथ हम उसको मिक्स करेंगे। दोस्तों इमल्शन होता क्या है, ये बिटुमिन का एक लिक्विड फॉर्म होता है, जिसमें आप बिटुमिन को एकदम लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये इतनी आसानी से सेट नहीं होता। दोस्तों इस जब भी आप इमल्शन बनाएंगे सबसे पहले आपको बिटुमिन आपको अच्छे से गर्म करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं बिटुमिन का टैंक है, और ये इसका बर्नर है, इसको हम लोग हीट कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टेम्परेचर लगभग 150 से 160 डिग्री टेम्परेचर आपको शो हो रहा है। लगभग 150 से ऊपर रहे तो ये बहुत अच्छी बात है। और अब मैं और भी दोस्तों ये जो आप सेटअप देख रहे हैं ये थर्मोपैक हीटिंग सिस्टम है, इसमें ये लाइट से चलने वाला सिस्टम है। इसका यूज़ है जो पाइपलाइन जो जा रही है बिटुमिन की, इनमें इनको गर्म करके हीट करके रखना है, इसका काम है। और मैं दिखाता हूँ ये जो टैंक है, ये दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है वाटर टैंक, इसमें पानी को हम लोग गर्म करते हैं। इसमें भी एक बर्नर लगा हुआ है जो आप देख रहे हैं, पानी को गर्म करने के लिए यूज़ होता है ये। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं सेटअप, ये है कोलाइडल मील, इसी के अंदर इमल्शन मिक्स होता है, सारे केमिकल बिटुमिन और वाटर इसी के अंदर मिक्स होता है, यहीं पे आपका इमल्शन तैयार होता है। और ये आप इसका कंट्रोल पैनल देख रहे हैं, ये हमारे कौशल भैया हैं। दोस्तों ये जो दो बड़े टैंक और देख रहे हैं आप, इनको मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ। ये जो टैंक है इनको बोलते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन टैंक है, इसके अंदर आपका ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर केमिकल इसके अंदर वाटर में मिक्स करते हैं पहले अच्छे से। जो आप इस टाइप के दो टैंक हैं, एक ये टैंक है, इसका अभी हमने यूज़ कर लिया है, एक बैच बन गया है, ये दूसरा बैच हम लोग इसमें तैयार कर रहे हैं। दोस्तों ये जो सोप सॉल्यूशन टैंक है इसी के अंदर सारे केमिकल और वाटर को अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर ये जो वाटर निकलता है केमिकल मिक्स वाला, इसमें बिटुमिन का मिक्स हम लोग बिटुमिन और ये सोप सॉल्यूशन टैंक से जो केमिकल है वाटर वाला, उसको हम लोग इस मील में यहाँ पे मिक्स करते हैं, यहीं से तैयार होता है आपका इमल्शन। और जो आपका इसका ग्रेड, जैसे मैं बोल रहा था SS1 बनाना है आपको, RS1 बनाना है या MS1 बनाना है, जो भी आपको बनाना है, वो उसका कुछ एक रेशो रहता है, उस रेशो से हिसाब से आपको जो भी बनाना है, जो भी आइटम बनाना है आप बना सकते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे RS1 का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये बिटुमिन का पाइप है, ये जो पाइप यहाँ से जाता हुआ बिटुमिन, इसमें कोलाइडल मील है, इसके अंदर जाता है यहाँ से आपका बिटुमिन, और ये जो पाइप देख रहे हैं यहाँ से आता है सोप सॉल्यूशन टैंक से केमिकल मिक्स वाटर, वो दोनों ये यहाँ पे, जब ये मोटर चलेगी तब यहाँ पे मिक्स बनेगा इसका। दोस्तों ये प्लांट भी हमारा, ये DBM प्लांट है लेनोव का,
इसी के पास में लगा हुआ है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं डब्ल्यूएम का प्लांट लगा हुआ है, लेनोवो का प्लांट का है ये, डब्ल्यूएम प्लांट लगा हुआ है यहीं पे, लगाया हुआ है हमने ये इमल्शन का प्लांट। देखो तो हमने सेटअप चालू किया है, ये आप देख रहे हैं ये सारा विटामिन विटामिन और ये जो केमिकल है ये यहाँ पे इस मील में, यहाँ पे कोलाइडल मील में, यहाँ पे इस तरह से पिसाई होती है और यहाँ से कंप्लीट होने के बाद फिर ये सेंटर में ये जो पाइप देख रहे हैं आप, इसमें से ये पाइप गया वो सामने टैंक में, जहाँ पे कुछ चेक भी कर सकते हैं, ये निकल रहा है आपका इमल्शन बनने के बाद, ये काफ़ी गर्म है तो आप यहीं से सैंपल लेके आप उसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और इस टैंक से फिर ये जो आप सामने वॉल देख रहे हैं यहाँ से ये होता हुआ सीधा निकल जाएगा आपके स्टोरेज। यहाँ पे हम लोग इसका टेस्टिंग कर रहे हैं, ये हमारे कौशल भाई यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं हमें, और बार बार में थोड़ी थोड़ी देर में आप उसका सैंपल भी चेक करते रहिए, क्योंकि इमल्शन का क्या होता है ये, तो बाद में आप पानी मिला के आप देख लीजिए कि फटना नहीं चाहिए, ब्रेक हो जाता है ये, दस मिनट रख देंगे इसको, 10 मिनट रखेंगे, अगर ये सेम कंडीशन में रहा तो आपका सैंपल बढ़िया है, अगर ये ब्रेक हो गया नीचे नीचे अगर डामर बैठ जाता है पानी ऊपर रह जाता है तो ये आपका प्रोडक्ट ख़राब कर रहा है। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं जो बीकर है इसमें हम विटामिन अगर नीचे बैठा जाए बैठ जाएगा तो पूरा अलग दिखेगा, अभी ये पूरा क्लीन हो गया मतलब आपका सैंपल सही बन रहा है, यही ये आपको बार बार चेक करते रहना चाहिए। तो ये है इसका पैनल, सारा पैनल है यहीं से इसको ऑपरेट किया जाता है, पूरा मैनुअल प्लांट है ये, ये हमारे कौशल वही हैं जो इसको देख रहे हैं, और हमारा एक दोस्त और है, ये हमारा दोस्त दिलीप है, सवेरे से परेशान हो गया बेचारा। दोस्तों ये है इसका स्टोरेज टैंक, इसके अंदर अभी स्टोर हो रहा है, देख रहे हैं अब ये बुल ये झाग निकल रहा है, ये उसी में से निकलता है, ये ओवर हो जाता है झाग निकलता रहता है, और यहाँ पर हम इसको स्टोर कर रहे हैं। एक टैंक और है हमारे पास वो अभी साइड में खड़ा है, उसमें भी हम स्टोर करेंगे, और ये जो आप एक पाइप देख रहे हैं इसमें डायरेक्ट हम अपना विटामिन स्प्रेयर लगा के इसके अंदर डायरेक्ट हम लोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो ये हम जो इमल्शन बनाते हैं इसमें दो टाइप का बना रहे हैं, एक तो स्लो सेटिंग, एक होता है रैपिड सेटिंग। जो स्लो सेटिंग होता है इसको बोलते हैं SS1, उसका यूज़ हम लोग जनरली करते हैं WM के टॉप सरफेस पर, जब आप DVM कर रहे हैं, DVM को फर्स्ट लेयर कर रहे हैं वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं, और इसका जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसको एज अ प्राइम कोट भी बोलते हैं आप लोग, तो इसको जब भी अप्लाई करेंगे उसके 24 घंटे बाद आप उसके उस पर DVM का लेइंग करेंगे, और जो आपका दूसरा वाला होता है RS1 रैपिड सेटिंग वाला, उसको यूज़ आप तुरंत कर सकते हैं आप आधे घंटे के बाद, जब भी आप DVM का सेकेंड लेयर कर रहे हैं या फिर BC का लेइंग कर रहे हैं तब आप उसको RS1 का यूज़ करेंगे। अभी हम लोग ये BC का लेइंग कर रहे हैं तो अभी हम जनरली ज़्यादातर हम RS1 ही बना रहे हैं। दोस्तों इमल्शन बनाने में ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है मेरे हिसाब से, इसका सारा खेल है जो केमिकल का जो मिक्स रहता है वो प्रॉपर होना चाहिए आपका, उसका जो वेट आप ले रहे हैं पर बैच में वो आपका एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो आपका इमल्शन ख़राब भी हो जाएगा। अगर प्रॉपर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, अगर केमिकल आपने प्रॉपर मिक्स नहीं किए तो ये जो आपका जो टैंक है ना, ये आप जो स्टोरेज जो हमारा टैंक है इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं, इसके अंदर बाद में आज या जब भी ये ठंडा होगा तो ये इसका विटामिन नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर रह जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारा खेल इस केमिकल का है, इसके लिए एक्सपर्ट बंदा ही होना चाहिए। ये जो हमारे कौशल भाई आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आते हैं, यही यहाँ पर इस प्लांट को चला के लगभग 30-25 टन एक बार में बना के भी चले जाते हैं, पुणे से आते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।